हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि गार्डिंग क्या होती है और गार्डिंग का यूज़ अपन क्यों करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि गार्डिंग में जो वायर और जो कंडक्टर का अपन यूज़ करते हैं वो किस मटेरियल का होता है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, आप लोग मेरे चैनल को वॉच करते हैं, मेरे वीडियोज़ को वॉच करते हैं, मगर उनमें से मात्र 7% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, बाकी सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि गार्डिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, गार्डिंग क्या होता है, जो अपनी ओवरहेड लाइन में अपन गार्डिंग का यूज़ करते हैं, और जो गार्डिंग होती है वो जस्ट, जैसे देखिए ये ओवरहेड लाइन है, ठीक है, देखिए आर फेस है, वाई फेस है, बी फेस है, जस्ट इसके वायर के जो नीचे होता है, ठीक है, ये अपन गार्डिंग लगा देते हैं। गार्डिंग कैसे लगा देते हैं, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कंडक्टर्स ऐसे इस तरीके से अपन कंडक्टरों को क्या है, टाइट कर देते हैं। पहले इधर टाइट कर दिया, फिर इधर टाइट कर दिया, इधर इधर टाइट कर दिया, फिर ऐसे कंडक्टर को अपन यहाँ पर फिक्स्ड कर देते हैं, इसी को अपन बोलते हैं गार्डिंग। और फ्रेंड्स, जो गार्डिंग में जो मटेरियल, जो ये वायर यूज़ हो रहा है वो किस मटेरियल का होता है, फ्रेंड्स वो GI वायर होता है, वो जिसको अपन गैल्वनाइज्ड आयरन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि गार्डिंग का अपन यूज़ क्यों करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कभी भी कोई भी फॉल्ट आया, या फिर ये ट्रांसमिशन लाइन, ये या डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन है, ये मान लो अपनी डैमेज हो गई, और डैमेज होने के बाद मान लो ये वायर है ना अपना टूट के मान लो गिर गया, अगर गार्डिंग नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये गार्डिंग नहीं होगी तो डायरेक्ट ये कंडक्टर कहाँ गिर जाएगा, ये रोड में गिर जाएगा, जिससे क्या है अपन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। हो सकता है कि किसी कोई बंदा हो गया, ठीक है, उसको करंट लग गया, ठीक है, यानी उसको वो डैमेज हो सकता है, या फिर कोई भी रेसिडेंशियल एरिया वगैरह है वहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट रखा है, वो दूसरे इक्विपमेंट भी डैमेज हो सकते हैं, या किसी लोगों को करंट वगैरह भी लग सकता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये गार्डनिंग का अपन यूज़ करते हैं, ताकि अगर ये कंडक्टर कभी टूट के गिरे तो ये किसके ऊपर गिरे, गार्डनिंग के ऊपर गिरे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने गार्डनिंग ये कई जगह देखी होगी, जैसे जाता करिए रोड के किनारे, ठीक है, रोड के किनारे आपने देखा होगा, और वहाँ कहाँ पर आपने देखा होगा, ज़्यादातर स्कूल के पास, कॉलेज के पास, हॉस्पिटल के पास, यानी जहाँ पर भी रेसिडेंशियल एरिया होता है, जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि ओवरहेड लाइन के नीचे ऐसी झोली जैसा बना होता है, ठीक है, इसी को अपन गार्डिंग बोलते हैं, ताकि ये कंडक्टर कभी टूट के गिरे तो वो कहाँ पर गिरे, गार्डिंग के ऊपर गिरे, और जो भी नीचे अगर कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, उससे उसका कोई भी उसको प्रॉब्लम ना हो। तो यानी गार्डिंग जो अपन यूज़ करते हैं वो मात्र प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, गार्डिंग वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, जैसे जहाँ पर अगर कोई भी रिवर हो गई, कोई भी नदी हो गई, वहाँ से अगर अपनी ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जब उसको क्रॉस करती है, तो वहाँ पर भी अपन गार्डिंग का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, इस वाली फ़ोटो में देखिए, आप देखिए जहाँ पर भी, जैसे मान लो ये टेलीफोन लाइन इसके नीचे से जा रही है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के नीचे से, या ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से, ठीक है, इसके ऊपर भी देखिए ये यहाँ पर ये गार्डिंग करके रखी हुई है, ठीक है, ताकि कभी जब भी अगर कंडक्टर कभी टूट के गिरे तो ये इसके ऊपर गिरे, ठीक है, और नीचे की जो लाइन है और जो नीचे के जो लोग हैं, ठीक है, वो प्रोटेक्ट हो सके। तो कुल मिला के जो गार्डिंग होती है वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी देख लिए, देखिए ये नीचे रेलवे लाइन है, रेल लाइन है, आपने देखा होगा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए ऊपर से अगर जो इसकी लाइन अगर जा रही है, तो यहाँ पर भी, ठीक है, गार्डिंग इसमें वायर लगा के रखा है, ताकि जब ये कंडक्टर टूट के गिर जाए या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए इसमें, तो यहाँ के जो भी इक्विपमेंट है इसके नीचे, ठीक है, वो डैमेज ना हो, और कोई भी अगर बंदा यहाँ खड़ा है, कोई भी लोग खड़े हैं, तो उनको भी सेफ्टी प्रोवाइड हो सके। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को एक वीडियो क्लिप और दिखा देता हूं, उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि गार्डिंग क्या होती है, कैसी दिखती है। फ्रेंड्स देखिए, ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, देखिए ये गार्डिंग है, देखिए ये गार्डिंग है, जो आपको हॉरिजॉन्टल वायर जो दिख रहा है ना, कंडक्टर दिख रहा है, इस तरीके से अपन गार्डिंग लगा के रखते हैं, देखिए ये होती है गार्डिंग। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गार्डिंग क्या होती है, और गार्डिंग का यूज़ अपन क्यों करते हैं, और गार्डिंग में जो वायर और जो कंडक्टर अपन यूज़ करते हैं वो किस मटेरियल का होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करना।
और फ्रेंड्स स्क्रीन पे आप लोगों को जो प्लेलिस्ट दिख रही है इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर विजिट करना, क्योंकि मैंने इसमें इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दी है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो आइकन दिख रहा है चैनल का, इस आइकन को भी प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।